कर्म का फल ईश्वर को नहीं भोगना पड़ता है, कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सामर्थ है, जीव असमर्थ है, जीव ईश्वर के अधीन है। तो भगवान शंकर में जो जो दोष गिनाए गए हैं, अमंगल वेश है इनका, चिता की भिष भस्म लपेटे हैं, सर्प बिच्छू को लपेटे हैं, बाघांबर पहने हुए हैं, कोई गुण नहीं है, कोई मान रही है, अमंगल वेश है। तो भगवान शंकर के सारे अवगुण जो है सब गुण माने जाते हैं। जे जे बर के दोष बखाने ते सब से पहमें न माने, जो विवाह शंकर सन होई दोसो गुण सम कह सब कोई। नारद जी वहां से चले गए हिमांचल और मैना जी बड़ी चिंतित हो जाती हैं। पार्वती जी ने रात्रि में स्वप्न देखा है कि एक तपस्वी आकर के मेरे से कह रहा है कि पार्वती अगर आप महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो तप करो, क्योंकि तप के बल से ही संभव है। आप देखिए तप के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, तप के बल पर भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं, और तप के बल पर भगवान शंकर श्रृंगार करते हैं, तप के बल पर शेष नांग पृथ्वी को धारण करते हैं। एक तपस्वी ने देवी पार्वती जी से रात्रि में कहा है, अब पार्वती जी मैया से सुना रही हैं क्या कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप यधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस्चि जानी। ऐसे एक तपस्वी ने मुझे स्वप्न में कहा है, तो मैं भी भगवान शंकर को पाने के लिए तप करने जा रही हूँ। माता पिता को अच्छा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि कोई माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी कोई तपस्या करे, कोई साधना करे, क्योंकि तपस्या साधना में बड़ा कष्ट होता है, शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। माता पिता अपने संतान का ये दुख नहीं देख सकते हैं। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, अति सुकुमार न तन तप जोगी जोगु पति पद सुमिर तजो सब भोगु। देवी पार्वती जी का जो शरीर है वह तप करने योग्य नहीं है, क्यों? क्योंकि ये राजा की बेटी है, राजमहल में रहने वाली राजकुमारी है, ये जंगल में कैसे तप कर सकती है? अति सुकुमार, सुकुमार नहीं है, अति सुकुमार है, नहीं तन तप जोगू, लेकिन पति पद सुमिर तजो सब भोगू। सब छोड़कर पार्वती जी चली गई, और क्या करती हैं? भगवान शंकर का स्मरण करती हैं और बस महादेव जी के चरणों में अपना मन लगा लेती हैं। देवी पार्वती जी ने यहाँ कितने वर्ष तक तपस्या की पता है? 4111 वर्ष तक पार्वती जी ने तपस्या की है। 4111 वर्ष तक पार्वती जी तपस्या करती हैं। पहले 1000 वर्ष तक तपस्या करती हैं, फिर 100 वर्ष तक करती हैं,
फिर दस दिन करती हैं, फिर एक दिन करती हैं, कुछ दिन भोजन बार बतासा किए कठिन, कुछ दिन उपासा संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत वर्ष गवाए। पहले 1000 वर्ष, फिर 100 वर्ष, फिर 10 दिन, फिर 1 दिन। 1111 दिन हो गए अभी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब फिर पार्वती जी को लगा कि मेरी साधना में कोई त्रुटि है, कोई कमी है। तब तो महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब क्या करती हैं? अब सब कुछ छोड़ देती है, 3000 संबत सोई खाई। पार्वती जी 3000 वर्ष तक फिर तपस्या करती है। इस प्रकार से 4111 वर्ष तक पार्वती जी ने तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी बोले आपका मनोरथ सफल हुआ, आप जाओ, आपको भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे। और गोस्वामी जी लिखते हैं, अस तप काहू नकीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। अनेक जो है ज्ञानी हुए हैं, अनेक सिद्ध हुए हैं, अनेक धैर्यवान हुए हैं, लेकिन ऐसा आज तक किसी ने तप नहीं किया है। पार्वती जी तप जप करती हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने घर जाओ, आपको भगवान शंकर मिलेंगे। और यहाँ भगवान शंकर जी सती जी के वियोग में बैठे हुए थे। जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते शोमन भयो विरागा। जब से सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, शंकर जी बड़े दुखी हो गए थे। और जहां तहां राम जी की कथाओं को सुनते हैं, ऐसा करते हुए उनका समय बीत रहा था। इसके बाद जो है एक दिन भगवान श्री राम जी प्रकट हुए और भगवान श्री राम ने कहा, शंकर जी अब आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आपको सती का वियोग सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सती जी पार्वती जी के रूप में आ चुकी हैं, उन्होंने तप किया है, अब आप उनके साथ विवाह करके उन्हें स्वीकार करिए। भगवान श्री राम जी क्या करते हैं, अति पुनीत गिरजा के करनी और बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी, अब आप विवाह करो। जाए अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने है, जाए विवाह सैल जही, यह मुहि मांगे देहु। मेरा कहना है कि आप पार्वती से विवाह करें। जब भगवान श्री राम जी पार्वती जी की बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे विस्तार से, तो भगवान शंकर हंस रहे थे, अति पुनीत गिरजा के करनी और बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। तो भगवान शंकर खूब हंस रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। राम जी ने कहा, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे, इसका मतलब कथा अच्छी लग रही है। जब श्रोताओं को कथा अच्छी लगती तो श्रोता बढ़िया सुनते हैं, और जब अच्छी नहीं लगती तो सोते हैं। तो आप लोग सब जाग रहे हैं, तो आप कथा सुन रहे, मतलब कथा समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, कथा कैसी लगी महादेव जी? अच्छी लगी ना? क्यों? क्योंकि आप बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। महादेव जी ने कहा, तो मुझे पता नहीं कि कथा कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। तो राम जी ने कहा, तो फिर आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे थे? महादेव जी ने कहा, मैं प्रसन्न कथा सुन करके नहीं हो रहा था, मैं तो प्रसन्न कथा वाचक को देख करके हो रहा था। कथा वाचक की उदारता को देख करके हो रहा था, धन्य है कथा वाचक। मुझे देख करके मेरी कौन सी उदारता, क्या महानता? महादेव जी ने कहा, आप जरा विचार करो, आप किसकी कथा सुना रहे हो? पार्वती की? अरे पार्वती पूर्व जन्म में क्या थी पता है आपको? सती थी ना? बोले हाँ। और इन्होंने आपके साथ क्या किया अभी पता है? क्या किया आपके बारे में? मैंने इनको कितना समझाया था कि ये राम जी ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो क्या ये बात मानी? नहीं मानी। मेरे समझाने पर भी बात नहीं मानी, और आपकी जाकर परीक्षा लेती है। इन्होंने लिया आपकी परीक्षा, और इतना ही नहीं, इन्होंने आपकी कथा को बिल्कुल नहीं सुना। अगस्त जी के आश्रम में गई हैं और कथा को इन्होंने नहीं सुना। जिस पार्वती जी ने पूर्व जन्म में
आपकी कथा का तिरस्कार किया है, आप उसी पार्वती की इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, तो मैं कथा सुनकर के प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तो कथा वाचक की महानता उदारता देख करके प्रसन्न हूँ। जिसने आपकी कथा को सुना नहीं, आप उनकी कथा इतनी सुंदर सुना रहे हैं, धन्य है आपकी महानता। राम जी ने कहा वे सब बातें छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा करो कि जाओ विवाह करो। और ध्यान रखिए, कथा में आप देखेंगे शंकर जी में और राम जी में तीन नाते हैं, सेवक स्वामी सखा सीपी के, तीन नाते। राम जी कहते हैं आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सखा हूँ। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं। राम जी कहते हैं आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक। अच्छा, तो हम सखा हैं, बोले सखा भी है, स्वामी भी है, सेवक भी है, तीन नाते हैं। तो इस दोहे में भगवान श्री राम जी ने तीनों का संकेत किया है। श्री राम जी ने कहा अगर आप मुझे सेवक मानते हैं, आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, तो अब विनती मम सुनो उससे, मैं आपसे विनती कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। शंकर जी ने कहा नहीं। फिर तो राम जी ने कहा तो अब विनती मम सुनो उससे, जो मो पर निज नेह, तो फिर आप मुझे अपना सखा मानो। अगर सेवक नहीं मानते हो सखा मानो, और सखा मान करके मेरे ऊपर स्नेह करो, प्रेम करो, जैसे एक मित्र का मित्र के प्रति प्रेम होता है। अच्छा अच्छा, बोले नहीं, मैं आपको अपना सखा भी नहीं मानता हूँ, अपना सेवक भी नहीं मानता हूँ। तो राम जी ने कहा अच्छा तो फिर क्या मानते हो? शंकर जी ने कहा मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ। राम जी ने कहा स्वामी मानोगे फिर भी छुट्टी मिलने वाली नहीं, विवाह तो करना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा अगर आप मुझे सेवक मानते हैं तो मैं विनती करता हूँ, सखा मानते हैं तो आप मेरे स्नेह को रखिए, और स्वामी मानते हैं तो जाए विवाह शैलजे ही, यह मुझे मांगे देहु। अगर मुझे स्वामी मांगते हो तो मेरा आदेश है कि आप जाकर के पार्वती से विवाह करो। मतलब किसी तरह से छुट्टी मिलने वाली नहीं है, विवाह तो करना ही पड़ेगा। महादेव जी ने कहा यद्यपि यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम आपकी आज्ञा को अपने सिर में रखते हैं। सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये मेरा धर्म है। और भगवान शंकर जी ने श्री राम की आज्ञा को अपने सिर में रखा। राम जी का कहते हैं सिर में मत रखो, अब उर राखियो जो हम कहो, हृदय में रखो, सिर में गंगा जी है कहीं हमारी आज्ञा बह ना जाए, इसलिए हृदय में रखो और जा करके पार्वती से विवाह करो। और फिर भगवान शंकर का और देवी पार्वती जी का विवाह होता है, और उस विवाह में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ, हर गिरजा कर भयो विवाह हुआ, दोनों को सुंदर विवाह। और विवाह के बाद सती जब कैलाश में जाती हैं, तो सती जी ने सबसे पहले भगवान श्री राम की कथा ही पूछती है। जिस कथा को मैंने नहीं सुना था, आपके साथ मेरा वियोग हुआ, मुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा, आप मुझे वह कथा सुनाइए, उस कथा में क्या विशेषता है, क्या उसमें रस है, मैं सुनना चाहती हूँ। और पार्वती जी के रूप में फिर उन्होंने राम कथा पूछी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, जो सारे संसार को पवित्र पावन बनाने वाली राम कथा है, वह कथा देवी पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती हैं। आप मुझे बताएं कि राम जी का जन्म कैसे हुआ है, आप मुझे बताएं राम जी ने लीला कैसे की है, विवाह कैसे हुआ, वन कैसे गए, आप इत्यादि कथाएं बताएं। और भगवान शंकर राम जी के जन्म के कई कारण बताते हैं, लेकिन मानस में मुख्य रूप से चार कारण है। कारण तो बहुत हैं, लेकिन चार कल्प की कथा मानस में है। चार कल्प कैसे? जब एक कल्प में जय विजय भगवान नारायण के पार्षद राक्षस योनि में गए तो भगवान का अवतार हुआ। दूसरा कारण जलंधर जब रावण हुआ तो भगवान का अवतार हुआ।
तीसरा कारण जब नारद जी के श्राप से भगवान शंकर के गण राक्षस हुए तब भगवान का अवतार हुआ। और चौथा कारण जब ब्राह्मणों के श्राप से राजा प्रताप भानु राक्षस हुआ तब भगवान का अवतार हुआ। ये चार कल्प की कथा श्री रामचरितमानस में लिखी गई है। और वह कथा बताते हुए भगवान शंकर कहते हैं भगवान के जन्म के कारण है। इसके बाद देवी कहते हैं कि बहुत सारे कारण है, एक नहीं है कि राम जन्म के हेतु बने का परम विचित्र कारण है। द्वारपाल हरि के प्रेदो जय रुबिजय जान सबको विप्र श्रापते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाए। इस प्रकार से कई कारण बताते हुए और फिर भगवान के जन्म की कथा सुनाते हैं। तो कल जो है हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रकट होने वाली कथा सुनेंगे। हमारे राम लला कैसे प्रकट हुए हैं, कैसे प्रभु का जन्म हुआ है। वैसे ब्रह्म का जन्म नहीं होता, जन्म तो जीव का होता है कि नहीं। लेकिन वह पर ब्रह्म परमात्मा जब मनुष्य बन करके आता है तो जन्म लेने की लीला भगवान करते हैं। वो तो प्रकट होते हैं लेकिन फिर भी लीला के माध्यम से हम भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो भगवान का प्रकट होता है। तो कल की कथा में भगवान के हम जन्म की कथा सुनेंगे। बढ़िया सज धज करके आइए, है ना। अब बढ़िया मेकअप इत्यादि करके भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होंगे। हम घर में किसी बेटा बेटी का बर्थडे मनाते हैं तो कितना तैयार होते हैं। तो ऐसे हमारे राम लला का जन्म उत्सव मनाएंगे कल। तो बढ़िया जो है सुंदर सुंदर भगवान के प्रति भाव रखेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि हम इस समय वैसर में नहीं बैठे हैं, हम मुंबई क्षेत्र में नहीं बैठे हैं, हम अयोध्या में बैठे हैं, है ना। और ये भाव रखिएगा जो अयोध्या गए होंगे अभी 22 जनवरी को, तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और जो नहीं जा पाए हैं क्योंकि भीड़ काफी थी, अगर नहीं जा पाए तो यही वह अनुभव करिए कि हम अयोध्या नहीं गए लेकिन अयोध्या हमारे यहाँ आ गई है, रामलला हमारे यहाँ आ गए। हम कलयुग में नहीं, हम त्रेता युग में बैठे हैं, यह भाव बनाए। तो आज भी त्रेता है, आज भी हमारे बीच में राम है, आज भी कृष्ण है। बस अपने भाव को, अपने जो है कर्म को हम सुधार लें तो आज भी हम त्रेता का अनुभव करेंगे, है ना। तो आप सब लोग बड़े भाव से, हाँ ध्यान रखिएगा। ये सुंदर कथाएं मैंने आपसे निवेदन किया। कथा के प्रारंभ में क्या मैंने बताया था आपको याद है? मैंने आपसे कथा के प्रारंभ में ये बताया था कि बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रव ही न राम।
राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है, इसलिए विश्वास सबसे पहले हमारे जीवन में आए, इसके बाद भक्ति, फिर भगवान की कृपा, फिर तो आनंद ही आनंद है। इन्हीं शब्दों के साथ यही कथा को हम विराम देंगे।